हेलो एंड वेलकम टू सिंगिंग टेक्निकल। मैं प्रशांत कुमार आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर मैनेजर्स असाइनमेंट वीक टू लेकर आया गया हूँ। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि हाँ सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर मैनेजर्स का के वीक टू का असाइनमेंट चाहिए जल्दी से जल्दी, तो काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि जल्दी से जल्दी आप असाइनमेंट दीजिए। तो बहुत ही मतलब मेहनत करने के बाद इधर उधर से सर्च करके, क्योंकि इसका क्वेश्चन बहुत ही टफ है जैसे आप लोगों को पता होगा, तो इसका वीक टू का असाइनमेंट मैं लेके आ गया हूँ। इसे जल्दी से जल्दी आप लोग पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों के पास पहुँच जाए और सभी लोग अपना NPTEL वाला असाइनमेंट कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, स्टील इंडस्ट्री मूव्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील पाइप्स इज एन एग्जांपल ऑफ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। स्टील इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील पाइप्स करती है वो किस चीज़ का एग्जांपल है, तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का। दो नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज एरिया डील्स विद आइडेंटिफाइंग पीपल ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन दैट कुड इंपैक्ट टू बी इंपैक्टेड। तो ये प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर बिल्डिंग अ 3 माइल लॉन्ग ब्रिज कनेक्टिंग टू आइलैंड सिटीज ऑफ अ कंट्री, तो इसको क्या बोला जाता है, तो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। दो का बी नंबर ऑप्शन होगा। तीन नंबर में है, व्हेन इज द स्टेक होल्डर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ प्रोजेक्ट इज वेरी हाई। जब स्टेक होल्डर अपने अर्ली स्टेज में रहते हैं तो उनका प्रोजेक्ट का जो इन्फ्लुएंस करने का उन लोगों का जो एबिलिटी होता है वो बहुत हाई हो रहा है। फिर चार नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेक होल्डर, तो इन चारों में से जो कंपटीटर होता है वो स्टेक होल्डर नहीं होता है। फॉलोइंग आर द फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर, डिजाइन मार्केटिंग एनालिसिस एंड एवलुएशन इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड डिलीवरी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 3214, 3214 इसका आंसर सही होगा, पाँच का ये। छः नंबर क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ, इसमें से जो अंडरस्टैंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट है, फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग वेरियस एक्टिविटीज है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। सात नंबर क्वेश्चन है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट इन प्रोजेक्ट बिकम्स कांस्टेंट व्हाइल द प्रोजेक्ट इज इन इट्स प्रोसेस प्रोग्रेस स्टेज आर, इसका जो सात नंबर का आंसर होगा इसका बी नंबर वाला आंसर होगा, 80 से 7 का डी नंबर वाला आंसर होगा, 80 से 95% होता है। फिर आठ नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड बेस्ड अपॉन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आठ का बी नंबर आंसर सही होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। फिर नौ नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट का कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो रिस्क असेसमेंट भी है, रिस्क कंट्रोल भी है, रिस्क रैंकिंग भी है, इसलिए आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फिर दस नंबर क्वेश्चन है, सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर नेटवर्क इज एन ऑर्डर एंड एम टुवर्ड्स अचीविंग द गोल्स एंड ऑफ ए प्रोजेक्ट आर कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है, इसको प्रोजेक्ट ही बोला जाता है। तो 10 का हम असाइनमेंट करा दिए, इसको हम सबमिट कर देते हैं और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से हमारे वेबसाइट पर भी अपलोडेड है, इसका PDF वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाके वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो जो लोग NPTEL का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का NPTEL वाला फॉर्म भरे हैं उन लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।